गुड इवनिंग सेवन है ना साथ ही है ना आज का तो धीरे धीरे आपके सेशन जो है ना वो मैं ले जा रही हूँ जैसे आप में से कई बच्चे ये कह रहे थे कि भाई अभी ये टाइम नहीं है कि हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करें क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एट जो टेस्ट है यानी कि शनिवार तक आप मेरे साथ ये एक्सपेक्टेड सेट करने वाले हो उसके बाद हम इसको स्विच कर रहे हैं टू दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एमसीक्यू बेस्ड होंगे और आपके वो टॉपिक वाइज होंगे ये कुछ क्वेश्चन पेपर या कुछ सेट में आपके सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखा रही हूं या कुछ क्वेश्चन में आपके सिर्फ इसलिए करा रही हूँ ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ताकि आपको ये समझ आ जाए कि जो आपके साइंस का जो एग्जाम का लेवल होता है वो क्या होता है यानी कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स मेजरली कवर किए जाते हैं जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगी ओम्स लॉ है ओम्स लॉ आपको पूछा जाएगा आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दे लीजिए आपको ओम्स लॉ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे सो बाय द टाइम जब तक आप ये पूरा पार्ट कवर कर रहे हो या फिर ये जो हम सेशन है इसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं आप लोग याद रखिए कि हम लोग एग्जैक्टली exactly मंडे से जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है उनको शुरू कर देंगे और संडे को मैं आप लोगों के लिए इसके लिए एक वीडियो भी लेके आ रही हूँ जहाँ पे मैं आपको समझा दूंगी कि ए की आगे की कुछ क्लासेस जो है वो कैसे चलने वाली है ठीक है सो स्टार्ट विद दिस उसके अलावा कुछ आपके ऐसे सेशंस सेशन पे एक क्लास के अंदर पूरा जो पार्ट है वो आप कवर करोगे तो जैसे पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री के सारे फॉर्मुलेज हैं फिजिक्स के सारे फॉर्मुलेज हैं या बायो की हम सिर्फ ऑर्गन्स की बात करें कि भाई मुझे सिर्फ शरीर के जितने भी अंग हैं ना उनके बारे में पढ़ना है ऑर्गन इन बॉडी या फिर एक दिन बैठ के पूरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कवर करेंगे तो ऐसी क्लासेस जो कि दो से तीन घंटे की होती हैं उनके सेशंस भी हम करना शुरू करेंगे पहले आप पढ़ो आप समझो आप जानो साइंस क्या है और किस लेवल की आपके एग्जाम में पूछी जाती है उसके अलावा आपके सैटरडे और संडे को जैसे मैंने आपको बता दिया है आप लोग ध्यान रखिएगा सैटरडे और संडे को आपके ये दो सेशन आने वाले हैं जहाँ पे हम साइंस का और क्लोरोप्लास्ट और जो संडे को हम ह्यूमन आईज का चैप्टर करेंगे ह्यूमन आईज थोड़ा सा डिटेल में जाएगा ताकि आप इस चैप्टर से पूरा क्वेश्चन थ्योरी जो सब कुछ है ना वो समझ सको तो ह्यूमन आई जो है वो डिटेल में होगा राइट उसके अलावा साइंस का जो फाउंडेशन बैच है वो भी आपका क्लास ट्वेंटी फोर पे चल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पी वाई क्यू ये सारी चीजें आपकी न्यूमेरिकल्स को कवर करते हुए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन साथ में भाई हमको सबसे बड़ी टेंशन होती है कि भाई थ्योरी कहाँ से पढ़े क्या पड़े एमसीक्यूज कौन से पढ़े कहाँ से निकाले वो सारा कुछ जो है ना वो आपको ई e बुक्स के फॉर्मेट में फाउंडेशन बैच पे मिल जाएगा ये बैच कहाँ ज्वाइन करना है यूट्यूब पे नहीं है यूट्यूब पे आपकी मंडे से साइंस की दो क्लासेस जाएंगी एक आपका कोई भी टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं कवर करूंगी और साथ में हमको कवर करना है कोई भी ऐसा टॉपिक वाइज एमसीक्यू तो एक अलग से टॉपिक भी चलेगा और टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी चलेंगे दो चीजें आपकी कवर हो जाएंगी बाकी क्लास ट्वेंटी फोर एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए वहां पे आप रेलवे सेक्शन में जाइएगा अंदर वहां पे जाके आप रेलवे जनरल साइंस फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं अभी उसमें केमिस्ट्री चल रही है क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको रिवाइज करना रहेगा टाइमली अगर केमिस्ट्री खत्म हो जाती है तो आप लोग के लिए ठीक रहेगा ठीक है, है? चलिए सीधा क्वेश्चन के साथ शुरू करते हुए पहला क्वेश्चन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा हवा में नहीं उड़ाना क्वेश्चन की ऑप्शन देखे मुझे तो ऑप्शन देखते ही आंसर करना है नहीं ये ऐसे क्वेश्चन इस बार आपके जो है ना वो आपके ये जो ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी स्टेटमेंट जो दी जाती है ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी के द्वारा पूछे गए थे ठीक है ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी के द्वारा जो है वो पूछे गए थे आप लोग याद रखिए कि ये क्वेश्चन अगर आप ये इन चाहते हो आप कि ऐसा क्वेश्चन जो है वो आप पढ़ो ऐसा क्वेश्चन आप करो तो हमारे लिए जरूरी है कि हमको टॉपिक क्लियर होना चाहिए चीजें आपको समझ आनी चाहिए जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है द फ्यूल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड बायोमास जो ऐसा ईर्धन जो पौधे और जानवरों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है उसको बायोमास कहते हैं और बायोमास का जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो मिथेन है मिथेन क्या होता है भाई कार्बन टेट्राहाइड्रोजन या फिर सी एच फोर करके जाना जाता है है ना सी एच फोर जाना जाता है ये क्या है दोनों स्टेटमेंट ठीक है मैं बायोमास किसी भी प्लास्टिक को जलाने के लिए अगर मैंने मान लीजिए कि मैंने प्लास्टिक को बायोडिग्रेड किया है ना वो पहली बात तो बायोडिग्रेड होगी भी नहीं और ये हमारा कोई बायो मास थोड़ी है बायो मतलब लिविंग बायो का मतलब क्या होता है लिविंग बायोलॉजी अगर आप पढ़ते हो तो आप किसके बारे में पढ़ते हो आप किसी टेबल कुर्सी या प्लास्टिक के बारे में तो नहीं पढ़ते आप पढ़ते हो लिविंग चीजों के बारे में हालांकि जब हम नॉन लिविंग चीजों की बात कर रहे होते हैं तो वो फिर हम एक बार को जो है वो हम बात कर रहे हैं किसमें

द क्रीम फ्रॉम इट सेपरेटेड आउट क्रीम फ्रॉम इट इज सेपरेटेड आउट ड्यू टू तो हमारे पास ना फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे फिजिक्स के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको क्या कर रहे हैं जो ये बताएंगे कि हमारे पास जो दो फोर्सेस हैं एक कहा जाता है सेंट्री पिटल फोर्स है ना और एक कहा जाता है सेंट्री फ्यूगल फोर्स सेंट्री फ्यूगल फोर्स पीटल जब भी रहे याद रखिएगा पिटल का मतलब है जो फोर्स आपका सेंटर की तरफ लग रहा है ठीक है सेंटर की तरफ लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है जो पेरीफेरी पे लग रहा है जो पेरीफेरी पे लग रहा है ठीक है जो पेरीफेरी कौन से पुराने स्टूडेंट को भाई आपके जो ई बुक्स हैं वो आपको या तो मॉडिफाई होके पार्ट्स में मिला होगा है ना वो क्वेश्चन जो ई बुक्स में मिलने हैं वो आप लोगों को मिल चुके हैं कहीं ना कहीं ठीक है जो पुराने स्टूडेंट जिनके बैचेस हो चुके हैं उनको कहीं ना कहीं वो मिल चुका है राइट right? जो अभी बैच है उसमें एक एक दिन हर एक दिन नहीं देखे आपको क्या किया जा रहा है कि आ, सारा एक साथ मटेरियल दिया जा रहा है तो वो है एक ही चीज अगर आप पुराने बैच के भी रहे होंगे तो भी वो आपको चीजें मिली होंगी और फिर भाई पुराने चीज और नए बैच और पुराने बैच में कुछ तो अंतर होगा ना ऐसे थोड़ी है कि बिल्कुल ही सेम टू तो सेम होगा ऐसे थोड़ी होता है आपके पुराने बैच में और नए बैच में कहीं ना कहीं कुछ तो अंतर जाएगा ना है ना ये बात भी तो याद रखनी पड़ती है इसमें आपको ई बुक इकट्ठा मिल रहा है ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है चलिए सेंट्री फ्यूगल लिख लें यहाँ पे सेंट्री फ्यूगल सेंट्री फ्यूगल क्या है वो आपका पेरी फेरी की तरफ जा रहा है जिसको हम इकट्ठा करके एक जगह लेके आते हैं ठीक है सेंट्री फ्यूगल अच्छा वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है वॉशिंग मशीन में जब आप कपड़े सुखाते हो तो वॉशिंग मशीन भी सेंट्री फ्यूगल पे ही काम करती है केंद्र सेंट्रीफ्यूगल फिबल अब केंद्रीय बल कहा जाता है इसको ठीक है केंद्र प्रमुख या फिर uh, ये उन चीजों पे जिसमें सेंटर पे फोर्स लग रहा है ठीक है ऐसा आपके लिए यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं अच्छा एक और क्वेश्चन जो आपके दो uh, uh, दो आपकी स्टेटमेंट्स है आपको करेक्ट बताना देखो इन द न्यूक्लियर फिजन ये मैंने कल इसीलिए क्लियर किया था पिछली एक क्लासेस में क्लियर किया था द न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम कैन बी स्पिट अपार्ट इनटू लाइटर न्यूक्लियस परमाणु विखंडन में एक भारी परमाणु के नाभिक को हल्का नाभिक में विभाजित किया जा सकता है विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए डिजाइन किए गए परमाणु रिएक्टर में परमाणु ईंधन एक नियंत्रित दर पर ऊर्जा जारी करता है इना न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन न्यूक्लियर फ्यूल रिलीजेज एनर्जी एट अ कंट्रोल्ड रेट कंट्रोल्ड रेट बताइए भारती थैंक यू सो मच 2018 हजार स्टडी उस टाइम की तो चीजें अलग थी भाई साहब वो क्लासेज अलग गई थी उस टाइम बच्चे अलग थे सारे के सारे द वेद आई हैव वो भी डिफरेंट था देखो आज आप पीपीटी लेके आओ अलग अलग जी लेके आओ आपको वीडियोस दिखाओ तब भी, भी बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होते या समझ नहीं आता एक वो टाइम था वाईफाई स्टडी का 2018 19 वाला उस टाइम पे खाली बोर्ड पे पढ़ाया मतलब कहते हैं ना कोरे कागज पे जो मैंने लिख दिया वो सामने वाले बच्चों ने मान लिया उस तरह की पढ़ाई होती थी मतलब मेरे पास कभी इस तरीके की मतलब तब होता भी नहीं था ना तब स्मार्ट बोर्ड इतने एक्टिव नहीं हुए थे तब हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड होता था उस पर भी क्वेश्चन जो है ना वो हमारे आगे जो हमारे सर बैठे रहते थे वो लगाते थे और हमको क्वेश्चन दिख भी नहीं रहा है फिर भी हम पढ़ाते थे हमें सीक्वेंस पता होता होता तो तो जो सामने क्वेश्चन नजर आ रहा तो है है दैट दैट एन एन वो वो और जब एक बार निकल गया तो दोबारा नहीं आता है ना वाली चीज है चलिए आप बस आराम से रिवाइज करते रहिए पढ़ते रहिए नॉलेज मेरी बड़ी ही है इतने सालों में कम नहीं हुई है नॉलेज हमेशा बढ़ती है कम तो होती नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी सो यस चलिए न्यूक्लियर रिएक्टर में आपका जो रिएक्शन होती है वो कंट्रोल्ड रेट पे होती है और कंट्रोल्ड रेट के लिए हमने पढ़ा था कि क्या लगाए जाते हैं मॉडरेटर लगाए जाते हैं कौन लगाए जाते हैं मॉडरेटर जैसे कि ग्रेफाइट है हैवी वाटर है उनको इस्तेमाल किया जाता है और आप याद रखिए फिजन जो है ये क्या है जो बड़ी चीज दो पार्ट्स में टूट रही है बेरियम और क्रिप्टॉन तो अगर यूरेनियम टूटेगा तो वो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है तो अगेन आपका बोथ लिख दीजिए बोथ वन एंड टू इज करेक्ट ठीक है ये बताइए न्यूमेटो फोर्स कहां पे पाए जाते हैं न्यूमैटो फोर्स कहां पे पाए जाते हैं क्या बात है बहुत ही बढ़िया धन्यवाद बायो और अगर मैं बोलू ना यहाँ पे एक एरा होता है ना ऐसे करके एक एरा निकल जाता है चीजों को आज भी नॉलेज उतनी ही है लेकिन द पॉइंट इज कि वो शायद उस तरीके का क्राउड नहीं है आपके पास जो बहुत जल्दी आपको विश्वास कर ले ऐसे वाला क्राउड अब बचा नहीं है कम ही बचा हुआ है यहां पे भाई जी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए आईटीआई आई जो है वो जरूरी है लेकिन अगर आप ट्वेल्थ पास हो तो आईटीआई आई जरूरी नहीं है ठीक है ये भी याद रखिए इसको मैं और क्लियर कर दूंगी न्यूमेटो फोर्स जो है वो कहां पाए जाते हैं तो मैनग्रुव करके याद रखे देखो न्यूमेटो फोर्स जो है ये क्या होता है नोमैटो जो है ये क्या होता है ये ऐसे पौधे के लिए कहा जाता है ठीक है ये ऐसे पौधों के लिए कहा जाता है जिनकी जड़ें जिनकी जड़ें कहा आ रही हैं जमीन से ऊपर आ रही हैं ठीक है ठीके? जिनकी जड़ें ऐसे जमीन के ऊपर आ रही हैं कभी आपने सोचा इस तरीके के प्लांट हो सकते हैं मार्शी एरियाज या दलदल एरियाज में ऐसे पौधे होते हैं ठीक है मार्शी एरियाज और हमारा सबसे बड़ा ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो कहाँ पाया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा के गंगा और ब्रह्मपुत्र ठीक है गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो पूरा एरिया है वहां पे पाए जाते हैं ये तो आप मैनग्रुव फॉरेस्ट करके याद रखिए मैनग्रूव्स पौधे और इनको एक बार आप डायग्राम में भी देख लीजिए ये पौधे देखो इनका वास्तविक रूप से जो जड़े दिखाई देती हैं वो आपकी ऐसी दिखाई देती हैं ठीक है ये जमीन से ऊपर निकल आई हैं दलदल से ऊपर निकल आई हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं न्यूमैटोर्स के नाम से जानते हैं नीचे ऑक्सीजन की कमी हो रही है आप देखो बड़ा पेड़ पेड़ है है ये बड़े पेड़ का तना है, ट्री ट्रंक है नीचे क्या हो रहा है ये पेड़ की जो जड़े हैं ना वो ऐसे फैल गई हैं जिनको केबल रूट्स बोलते हैं और इन्हीं केबल रूट्स में क्योंकि इन्हें यार प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा इन्हें प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा है इन्हें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे तो ये पार्ट्स में से ना ऐसे बाहर निकल के आ जाती हैं जगह जगह और यहीं पे ऐसे छोटी छोटी ब्रांचेस हैं रूट्स हैं जो क्या कर रही हैं आपकी वो आपकी बाहर निकल रही हैं ठीक है थीके? ये याद रखिए हांजी जी सुंदरवन डेल्टा जिसे कहा जाता है ना सुंदरवन डेल्टा ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है जो गंगा ब्रह्मपुत्रा से बन रहा है यहाँ पे बंगाल टाइगर नाम के जो बंगाल टाइगर जो है ना वो पाए जाते हैं काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं बंगाल टाइगर एंड मोर ओवर इनको हम सांस लेने के लिए बोलते हैं आपने कभी हॉरर मूवी देखा करो हॉरर मूवी में ना ये वाले जो प्लांट्स है ना वो बहुत बढ़िया से दिखा रहे एक मूवी भी आई थी जो जो मूवी आई थी ना वो आपकी इसी से रिलेटेड थी जिसमें खतरनाक सी चीजें जो है ना वो दिखाई गई थी ऐसे करके आपका तो ये पूरा चलिए ठीक है है ना ये आपका अनुमेटो प्लांट्स के रूप में जाना जाता है रे, रे ये नीचे क्यों भाग जाते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच ऑफ दी फॉलोइंग रिएक्शन बताइए हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया पे आधारित होता है ये मैंने आपको अभी पीछे भी बताया था कि जो हाइड्रोजन बॉम्बिंग होती है ना ये अनकंट्रोल्ड होती है और बैन कर रखा है हाइड्रोजन बॉम्बिंग करना हालांकि को, कोरिया जो है ना ये बार बार ये कोशिश करता है कि भाई मैं तो उखाड़ मैं तो उड़ा दूंगा मुझे तो दिक्कत नहीं है हम तो जो है ना इसको उखाड़ देंगे ये जो आपकी जो ये हाइड्रोजन बॉम्बिंग होती है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है ठीक है कंट्रोल्ड और दोनों चीजें पे या तो अनकंट्रोल्ड होता है 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 जैसे कंट्रोल्ड फ्यूजन है, नीचे है कंट्रोल्ड फ्यूजन फ्यूजन रिएक्शन रिएक्शन नीचे ठीक पहली बात तो हाइड्रोजन बॉम्बिंग जो है वो फ्यूजन रिएक्शन होती है सूरज में जो आग लग रही है है ना सूरज के अंदर जो आग लगी हुई है वो किस वजह से होती है हाइड्रोजन के हाइड्रोजन से जुड़ने से और ड्यूट्रियम को ट्राइटियम के साथ जोड़ा जाता है तब जाके आपका हीलियम बनता है है ठीक ड्यूट्रियम को ट्राइटियम से जोड़ा तब जाके आपका हीलियम तैयार हुआ तो ही थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन अब अनकंट्रोल्ड वर्ड तीनों में कहीं है ही नहीं तो आपको थर्मो जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उससे काम थोड़ा चलाना पड़ेगा तो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किस चीज से प्राप्त होता है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किस चीज से प्राप्त होता है एंटीबायोटिक क्या होती है एंटीबायोटिक वो दवाइया जो बैक्टीरिया के खिलाफ है ना जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती हैं एंटीबायोटिक हम उन दवाइयों को बोलते हैं जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती हैं अनकंट्रोल्ड जो है वो अलग चीज है थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन अगर बोला जाएगा तो वो अलग चीज है ठीक है यहाँ पे बात करें एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक दवाई सबसे पहले किसने बनाई थी 1928 के आसपास हम बोलते हैं फ्लेमिंग के द्वारा इसको बनाया गया था है ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उन्होंने सबसे एंटीबायोटिक बनाई बनाई थी थी उन्होंने एंटीबायोटिक किस में से थी? का जो पौधा होता है या ईस्ट जो होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ईस्ट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम क्या था यहाँ पे पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलियम पेनिसिलियम नोटेटम से जो है वो penicillin नाम की दवाई को बनाया गया है ना ये आज दुनिया में सबसे पहली एंटीबायोटिक के रूप में जानी जाती है और ये पेनिसिलियम नोटेटम के अलावा पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से भी निकाली जाती है पेनिसिलियम क्राइसोजीनस से भी निकाली जाती है और ये ईस्ट क्या होता है ईस्ट होता है फंगस ईस्ट क्या होता है फंगस तो पहली जो एंटीबायोटिक बनी थी वो किसने बनाई थी वो बनाई थी फ्लेमिंग के द्वारा परमाणु की परमाणु संख्या परमाणु की एटॉमिक नंबर ऑफ 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 एन एटम गिव्स नंबर दी फॉलोइंग बताइए परमाणु की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से किसकी संख्या देती है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से आंसर करिएगा एक एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो इनमें से आपको किस चीज की संख्या बता रहा है क्वेश्चन समझ आ रहा है सबको जो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन भी ना समझ आए तो आप ना एक्जैक्टली अगर कहीं पे भी ऐसा हो कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो वो भी मुझे बता दीजिएगा निरंजन बिल्कुल ठीक है यहाँ पे देखो एक एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपको किसकी संख्या दे रहा है तो एटम में होता क्या क्या है एटम में आपके पास सेंटर में क्या है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं ये बनाते हैं नाभिक या फिर न्यूक्लियस बनाते हैं ठीक है उसके अलावा जो यहाँ पे ऑर्बिट्स हैं ये क्या बना रहे हैं ऑर्बिट्स ये इलेक्ट्रॉन्स को रख रहे हैं यानी कि जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे भरे होते हैं एक एटम किस चीज का मिलकर बना होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैं आपसे बोलू कि एटॉमिक नंबर ग्यारह किसका है सोडियम का है ठीक है अब ये जो एटॉमिक नंबर ग्यारह है वो एग्जैक्टली किस चीज का नंबर मुझे बताएगा तो याद रखिए एटॉमिक नंबर ग्यारह आपके प्रोटॉन का नंबर बताएगा किसका नंबर बताएगा आपके प्रोटॉन का नंबर बताएगा किस चीज का नंबर बताएगा प्रोटॉन का नंबर बताएगा ठीक है अब प्रोटॉन के अलावा क्या ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बता रहा है बता रहा है एटॉमिक नंबर खासकर परमाणु संख्या जो होती है एटॉमिक नंबर जो होता है वो सबसे पहले आपको मेजरली बता रहा है प्रोटॉन की संख्या ठीक है साथ में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बता सकता है ना कोई दिक्कत नहीं है ये हर बार आपका वैलिड नहीं होगा ठीक है हर बार वैलिड नहीं होगा वैलिड किस समय होगा ये इनवैलिड तब होगा जब यहाँ पे आप एलिमेंट्स को आयन के फॉर्म में लिख दोगे जैसे मैंने सोडियम नहीं लिख के मैंने सोडियम प्लस लिख दिया तो भी मेरा एटॉमिक नंबर सोडियम क्या क्या रहेगा ग्यारह ही रहेगा मेरे प्रोटॉन का नंबर भी ग्यारह ही रहेगा लेकिन क्या ए इलेवन सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ग्यारह रहेगी नहीं जैसी मैंने सोडियम की जगह सोडियम प्लस लिख दिया तो मेरे इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी दस हो जाएगी कितनी हो जाएगी दस हो जाएगी ठीक है अब साथ में अपन अगर बात करेंगे अच्छा फिर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी तो न्यूट्रॉन हमेशा परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को माइनस करके निकाला जाता है जो की न्यूट्रॉन की संख्या आ गई तो सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या बारह प्रोटॉन की संख्या ग्यारह जो हमेशा फिक्स रहती है प्रोटॉन की हमेशा संख्या फिक्स रहेगी ये कभी चेंज नहीं होगी न्यूट्रॉन की संख्या फिक्स रहेगी ये कभी चेंज नहीं होगी एटम का नंबर हमेशा फिक्स रहेगा कभी चेंज नहीं होगा एटम का जो द्रव्यमान है वो हमेशा फिक्स रहेगा कभी भी चेंज नहीं होगा जो चीज चेंज होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए बस क्लियर है समझ आ गया चलिए फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन्स अकर्स बाय अगर आपके धनायन या फिर कैटाइन बन रहे हैं तो वो कैसे बन रहे हैं क्या टाइम कैसे बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को आपने ले लिया है इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया है प्रोटॉन को ले लिया है या प्रोटॉन को लूज कर दिया देखिए अभी मैंने आपको बताया आयन कोई एक एक्स एलिमेंट है ठीक है ये एलिमेंट तब तक है जब तक कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज या फिर गेन नहीं कर रहा है ठीक है अगर ये लूज या गेन कर देगा फिर ये जो है वो आयन बन जाएगा क्या बन जाएगा आयन बन जाएगा क्या बन जाएगा आयन बन जाएगा. अब इस आयन में दो प्रॉपर्टीज होती हैं या तो आप इसको कैटाइन बोल सकते हो ठीक है कैटाइन बोल सकते हो या फिर इसको आप एनाइन बोल सकते हो या तो आप कैटाइन बोल सकते हो या एनाइन बोल सकते हो क्या बोल सकते हो या तो आप कैटाइन बोल सकते हो या इसे एनाइन बोल सकते हो बराबर है ये चीज अब देखो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे कैटाइन बन या फिर मैंने एलिमेंट को कैटाइन बनते हुए देखा है इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन्स का गेन है कि लूज है क्या बात है कितना ही ज्यादा कैटाइन्स कैसे बनते हैं कैटाइंस तब बनते हैं जब आपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है एनाइन कैसे बनेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स को पा लिया है ठीक है पा लिया है तुमको अब नहीं खोना है ना सुना है ना ये गाना पहले तो प्रोटॉन वाले ऑप्शंस जो है उनको हटा दीजिए अब कैटाइन्स कब बनेंगे जब आपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया होने पे जो आपके पास ऊपर सिंबल लगेगा वो पॉजिटिव का लगेगा यानी कि सोडियम जो है वो कैटाइन है ठीक है सोडियम जो है वो कैटाइन है पॉजिटिव चार्ज और ये कैटाइन हमेशा कौन होंगे मेटल होंगे यानी कि धातु होंगे ये जो एक्सप्लेनेशन में लिख रही हूँ वो आप साथ साथ लिखते रहिए ठीक है जो मेरे पास कैटाइन होंगे वो ज्यादातर धातु होंगे मेटल होंगे क्योंकि यही अपने इलेक्ट्रॉन्स को दान में दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन ने गेन करने का क्या मतलब है भाई क्लोरीन क्लोरीन ने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लिया वो माइनस हो गया क्या हो गया माइनस हो गया तो एनाइन जो होते हैं वो माइनस होते हैं कैटाइन जो है वो पॉजिटिव होते हैं और जो एनाइन होंगे वो हमेशा आधातु होंगे या फिर नॉन मेटल होंगे क्या होंगे आधातु होंगे नॉन मेटल होंगे अब बताओ समझ आगे ये जो लॉ गेन गेन बच्चे लिख रहे थे वो सारे बच्चे समझे क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एनायन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है कैटाइन इसको लिख लो कहीं दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए आज के बाद अगर ये क्वेश्चन पूछा तो कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए इसको दोबारा लिख लो फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन कैटाइन्स में आयन कॉमन रखिएगा इलेक्ट्रॉन अगर अपने एलिमेंट्स अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को दान में दे देंगे या दान में ले लेंगे तो वो बन जाएंगे आयन क्या बन जाएंगे आयन ठीक है अब आयन में अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज करा है इलेक्ट्रॉन दान में दिया है तो वो कैटाइन बनेंगे और पॉजिटिव साइन उनपल एनाइन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो हैं वो जिनकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है लेने से पूरी हो जाएगी तो क्लोरीन हो गया कैटाइन हमेशा मेटल होते हैं एनाइन हमेशा नॉन मेटल होते हैं आप मुझे एक भी अगर बच्चे को कंफ्यूजन है तो बताइए कोई ऐसा कैटाइन है जो नॉन मेटल है कोई भी नॉन मेटल कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को दान में किसी को नहीं देगा नॉन मेटल्स हमेशा दान में लेते हैं और मेटल्स हमेशा दान में दे रहे होते हैं ठीक है ये समझ आ गया अब ठीक है पॉजिटिव, पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव अगर तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा बराबर है ना लिख लीजिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तत्वों के परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन्स के बांटने से बनने वाला बंद बन क्या कहा जाता है अब फॉर्मड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बताइए केमिकल बॉन्डिंग हो रही है ठीक है कोई कंपाउंड बना कोई यौगिक बना ये यौगिक कैसे बना जब दो एलिमेंट जो है वो आपस में जुड़े ठीक है दो एलिमेंट आपस में जुड़े उन्होंने क्या किया एक कंपाउंड बनाया लेकिन ये कंपाउंड इन एलिमेंट्स के बीच में शेयरिंग से हुआ है एक दूसरे के बीच में क्या हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो शेयर वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं आयनिक कोवलेंट कोऑर्डिनेट या फिर नो नो भाई ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्या बोलते हैं अगर शेयरिंग हो रही है तो क्या बोला जाता है शेयरिंग जब होती है तो कोवलेंट बोलते हैं आप हिंदी में तो देखो स संयोजी बांध सहयोजी देखो मैं और तुम साथ साथ है ना सा, साथ रहेंगे सह वाला है सुना है ना आपने ये वर्ड सह वाला तो स संयोजी बांध यानी कि कोवलेंट बॉन्ड क्या है कोवलेंट बॉन्ड है ठीक है कोवलेंट बॉन्ड है तो ये कैसे बनता है ये शेयरिंग से बनता है अब अगर आप यहाँ से अगर इसी पे मैं बात कर दू यहाँ पे कि अगर मैंने यहां से ले लेते हैं दोबारा यहाँ से ले लेते हैं अब अगर मैंने सोडियम और क्लोरीन सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे देगा और क्लोरीन इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ले लेगा जहां पे सिर्फ शेयरिंग है और जरूरत पड़ने पे चीजें टूट जाएंगी वो आपके कोवलेंट बंद होते हैं ठीक है कोवलेंट लेकिन जहां पे परमानेंटली एक इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया और परमानेंटली एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो क्या होता है वो आपका कंपाउंड ऐसा होता है जो फिक्स बन जाता है जैसे कि NaCl है नमक है नमक को आप अलग कर सकते हो क्या और अलग किया तो उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा ऐसी पानी है H2 है H2 आपका आयनिक बॉन्ड बन, से बना हुआ है ये आयन से बना है तो जहा पे भी नेगेटिव पॉजिटिव का खेल आ जाता है वो आयनिक बॉन्ड हो जाते हैं और आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं जबकि कोवलेंट बॉन्ड जो है ना ये इतने स्ट्रांग तो नहीं होते ठीक है है कोवलेंट जो वो इतने स्ट्रांग नहीं होते ठीक है ये याद रखे कोवलेंट बॉन्ड प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय प्रकाश का रंग लाल है हरा है नीला है पीला है गुलाबी है वो कैसे निर्धारित किया जाता है ये वेव्स का क्वेश्चन है इसीलिए हमने एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी और वेलोसिटी ऑप्शन दी है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है भाई पता है मुझे कि मैं अच्छी लग रही हूं ठीक है अभी पढ़ो नहीं तो निकलो दो ही ऑप्शन है प्रकाश का रंग कैसे निर्धारित किया जाता है और इतनी बार लिखने की जरूरत क्या है भाई इतनी तो अच्छी मैं लग भी नहीं रही कि जितनी बार तुम लिख रहे हो कमाल है द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय याद रखिए वेव लेंथ कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय वेवलेंथ कितनी वेवलेंथ होगी यानी कि एक वेव से दूसरी वेव के बीच में कितना अंतर होगा ये हमारी कलर ऑफ लाइट जो है वो डिटरमाइन करेगा ये भाई अभी अभी आए हैं धरती पे अभी अभी अब तारे हुए हैं सीधा और सीधा इसी क्लास में आ गए इन्हें पहली बार इन्होंने लड़की देखी है ठीक है हमारे शरीर में कौन सी और अच्छा अगर तुम कोई स्टूडेंट हो और बहुत दिन बाद मुझे देख रहे हो अरे ये क्या हो गया मैडम को ये ये कैसी लग रही है अरे तो पहले से अच्छी लगने लग गई है है ना तो ऐसे वाले अलग तरीके से जज्बात लिखे जाते हैं ना तो तुम अलग से टपक गए हो एकदम वही सीधा यही आके इसी क्लास में टपके हो तो ऐसा तो नहीं होता हाँ जी रेड की वेव लाइन जो है वो सबसे ज्यादा है ठीक है ये बताइए विथ सेल डिसऑर्डर इन आवर बॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस हमारे शरीर में कौन सा कोशिका विकार रंग अंधापन के लिए जिम्मेदार होता है डब्लू बी सी कौन सेल रॉड सेल या न्यूरोन अपन इतनी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं लाइट का कलर कैसे डिसाइड हो रहा है वेवलेंथ से है है ना, ना क्या होता वहां अगला आके तुम अच्छी लग रही हो मतलब तुम किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो ये तो बता दो पहली बार खोला है यूट्यूब कहा से आते हैं ऐसे लोग सच में कहा से आते हैं सही कौन सी आ, हमारे शरीर में कौन सा कोशिका विकार रंग अंधापन देखो अंधापन क्या है कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट वाली सिचुएशन भी नजर नहीं आ रही है ठीक है ब्लैक एंड व्हाइट नहीं नजर आ रहा है चीजें हमको जो है वो कलर्ड चीजें जो ह्यूमन देख पाते हैं वो भी नजर नहीं आ रही है तो इस आइडियल सिचुएशन में आप लोग याद रखिए कि जो चीज हमारी अभी गायब हुई है वो है कौन सेल क्या चीज गायब हुआ है कौन सेल जो है ना वो गायब हो गई है तो कौन सेल करके याद रखिए हमारी आंखों में कौन सेल्स और रॉड सेल्स होते हैं कौन सेल हमको जितनी भी रंगीन चीजें हैं जितनी भी कलर चीजें हैं ना उनको देखने में मदद करता है और देखो अभी पीछे वाले क्वेश्चन से कोरिलेट करो रंगीन चीजें या कलर जो है वो आपको कब दिखाई देंगे जब आप उस वे वेवले, वेव लेंथ को देख पा रहे हो ठीक है जब आप उस वेव लेंथ को देख पा रहे हो तो जो हमारी रंगीन चीजें हैं ना वो आपको नजर आएंगी अगर मान लीजिए कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट चीज है वो आप देख रहे हो वो आप किससे देखते हो रॉड सेल्स है जैसे रात में आपको सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है ना वो कैसे नजर आता है रॉड सेल से नजर आता है उसके अलावा आप याद रखो न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं न्यूरॉन कोशिकाएं जो होती है ये हमारे शरीर की नर्वस सिस्टम को बनाती है किसको बनाती है नर्वस सिस्टम और डब्लू हमारे शरीर के सोल्जर्स होते हैं क्या होते हैं डब्लू हमारे शरीर के सोल्जर्स होते हैं तो कौन सेल आंसर होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट बताइए टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकरण का उपयोग किया जाता है आज आपका नहीं है नुमेरिकल पिछली क्लास में जो है वो मैंने न्यूमेरिकल ऐड कर लिया था इस बार आपका मतलब आज की क्लास में न्यूमेरिकल ऐड नहीं है किसी किसी क्लास में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐड करेंगे इवन हम न्यूमेरिकल्स की अलग से क्लास भी करेंगे लेकिन उसके लिए आपको पहले जो बेसिक चीजें है ना वो पता होनी चाहिए ठीक है जरा आप बताइए यहाँ पे कि टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में कौन से प्रकार का विद्युत चमकीय विकरण यूज किया जाता है ये ना एएलपी ने आप एएलपी के अगर पेपर उठाओगे 2018 के मतलब ये पेपर मैं उधर से ही उठा रही वहां पे ये क्वेश्चन उन्होंने कई बार पूछा था आप इंफ्रा रेड करके याद रखिये इंफ्रा रेड ठीक है कौन से किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकरण का उपयोग किया जाता है तो आप इंफ्रा रेड करके याद रखिए ठीक है हवा से कार्बन कणों को हटाने का सिद्धांत क्या कहा जाता है जैसे आपका आपने देखा एयर प्यूरिफायर होते हैं आजकल एयर प्यूरिफायर काफी ज्यादा कॉमन है घरों में लिए जा रहे हैं दिल्ली में तो आपको वैसे ही लेने पड़ेंगे दिल्ली में क्या हो रहा है दिल्ली में आपको पता है ना दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति की जो उम्र है वो दिल्ली में रहने से ग्यारह साल कम हो रही है बताओ जरा दिल्ली में रहना गुना है दिल्ली में रहेंगे तो पोल्यूशन जिस लेवल का है तो ग्यारह साल उम्र जो है वो कम हो रही है यहाँ पे अब एयर प्योरीफायर लगाए जा रहे हैं उसमें दिल्ली सरकार ने भी अपना रोल दिखाया आईटीओ है दिल्ली के पास अगर आप में से कोई दिल्ली से है तो समझ पाएगा आईटीओ के पास ना बड़े महंगे महंगे और बहुत सारे जो एयर प्योरीफायर है ना वो लगाए गए अब ये एयर प्योरिफायर थोड़ा सा काम किए मतलब थोड़े महीने मेरे ख्याल काम किए उसके बाद वो गायब हो गए जो प्रिंसिपल यहाँ पे यूज किया जाता है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस से इलेक्ट्रोफोरेसिस फौ, से यूज किया जाता है जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो अपना चार्ज को लूज करते हैं और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और वहीं पे सेटल्ड हो जाते हैं तो आप याद रखिए जो कार्बन है उसको हवा से अगर अलग करना है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा या जो प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज किया जाएगा ठीक है रंध्रों की संख्या किसमें कम और अंदर डूबी हुई होती है द नंबर ऑफ स्टोमेटा हमारे पौधों पे सबसे पहली बार याद रखें कहीं लिख दो इंसानों में और जानवरों में भी स्टोमेटा होते हैं कुछ कुछ चीजें ना हम लोग बिना दिमाग के ही कर रहे होते हैं जैसे उसमें था स्टोमेटाज प्रेजेंट इन एक क्वेश्चन प्लांट्स फंगाई एनिमल्स अन् ऑल ऑफ भाई बच्चा ऑल ऑफ द्स में कब से देखे तुमने स्टोमेटा स्टोमेटा हमेशा पहली बात प्लांट में होते हैं पौधों में मौजूद होते हैं दूसरी चीज टोमेटा जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करने में गैसेस को एक्सचेंज करने में मदद करते हैं ओटू को और सी को पौधे में एक्सचेंज करवाते हैं तीसरी चीज ये क्या कर रहे हैं जो भी अतिरिक्त पानी होता है उसको बाहर निकालते हैं पेड़ से ठीक है तो ये छोटे छोटे छेद हैं जो पतियो पे बने हैं ये आपको दिखाई नहीं देते पतियों को अगर आप देखते हो तो कहीं दिखाई देते हैं? नहीं ये पत्तों के ऊपरी सतह पे होते हैं बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना मतलब दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन वो पौधे उससे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जैसे हमारे शरीर में स्वेट ग्लैंड होते हैं तो जैसे आपका रनिंग करे आप कुछ किए तो पानी आपके पोर्स में से बाहर निकलेगा ये कहाँ पे होते हैं हाइड्रोफाइट्स क्योंकि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है स्टोमेटास का नंबर कम है और डूबा हुआ है तो डूबा किस में होगा पानी में पानी में ही तो डूबेगी ना चीजें और तो हम मिजोफाइट नहीं लिखेंगे जीरो फाइट की अगर मैं बात करूं तो संकन या लेस एंड संकन अच्छा यहाँ पे संकन क्या होता है अंदर डूबा हुआ अच्छा यहाँ पे हाइड्रोफाइट हम लिखेंगे नहीं हाइड्रोफाइट्स तो ऑप्शन ही नहीं आएगा यहाँ पे आपका ना मरुभिदू मरुभिद जो होते हैं वो आंसर आएगा जीरो पॉइंट जो होते हैं यानी कि ऐसे पौधे जो कि आपके मरुस्थल में पाए जाते हैं उनमें स्टोमेटास का नंबर कम होता है रीजन सुन लीजिए कि स्टोमेटास का कम क्यों होगा नंबर क्योंकि मरुस्थल में पानी की कमी होती है है ना पानी की कमी होती है जिसकी वजह से जो पत्तियां हैं वो किस में कन्वर्ट हो गई हैं वो कांटों में बदल गई हैं है ना पतियां क्या होती है कांटों पे जैसे आपने कैक्टस देखा ये कैक्टस की स्टेम होती है और कैक्टस पे जो कांटे होते हैं वो क्या होते हैं वो पतियां ही होती हैं जो ऐसे रिड्यूस हो गई हैं कांटों में कन्वर्ट हो गई हैं तो पतियां किस में तब्दील हो गई हैं कांटों में तब्दील हो गई हैं अब जो है इन कांटों पे बदलने के बाद कहा जाएंगे स्टोमेटास तो होते ही लीफ पे हैं तो स्टोमेटास यहाँ पे मौजूद होंगे गए अंदर डूबने का मतलब है धसे हुए होते हैं अंदर घुसे हुए होते हैं ठीक है अंदर धसे हुए होते हैं अंदर घुसे हुए हैं यहाँ पे संक का मतलब पानी में डूबने का नहीं है यहाँ पे मतलब है कि स्टेम के अंदर अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन जिसमें कोई भी कंफ्यूजन हो सकती है मैं भी कन्फ्यूज हो सकती हूँ इसीलिए के, के तो क्या होगा हाइड्रोफाइट में जो है वो स्टोमेटास की तरफ बढ़िया होते हैं और इनकी लेयर मोटी होती है तो वो आराम से तैर रहे हैं तो लेयर उन्होंने ऊपर कर दी ठीक है ये बत, ये कर दीजिए डी दी आंसर होगा कोशिका विभाजन के कारण जो ग, गर्थ गर्थ लिखते हैं गर्थ नहीं होता है गर्थ होता है गर्थ, गर्थ. किसमें वृक्ष का ट्रंक बढ़ जाता है मतलब आप ये बताइए इनमें से कौन सी चीज की वृद्धि हो रही है या कौन सी चीज अपने आप को मल्टीप्लाई कर रही है जिसकी वजह से पौधे का गर्थ गर्थ क्या होता है पहले पौधा आपने उगाया तो इतना पतला सा था बेचारे को फिर आपने खाद पानी दिया तो पौधा चौड़ा हो गया यानी कि उसकी चौड़ाई बढ़ गई चौड़ाई बढ़ने का रीजन क्या है वर्स्कुलर टिश्यूज मेरिस्टमैटिक टिश्यूज कॉटेक्स या पिथ किसकी वजह से क्या हो गया आंसर नहीं दे पा रहे हैं क्या आज नहीं नहीं ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है इतने इतने कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बहुत इजी क्वेश्चन है इनको भी नहीं करेंगे तो कैसे कर पाएंगे आप लोग याद रखें मेरिस्टमैटिक टिश्यूज जो पौधे की लंबाई देखो ये याद रख लो पौधे की तीन चीजें पौधे की सबसे पहले लंबाई है ना फिर पौधे की जो चौड़ाई बढ़ेगी चौड़ाई और फिर पौधे के बीच की शाखाएं शाखाओं के दूरी पौधे के बीच की शाखाओं की दूरी पौधे के, के बीच की शाखाओं की दूरी ये किससे बढ़ेगी आपकी ये हमारी मेरिस्टोमैटिक टिश्यूज से बढ़ती है लेटरल एपिकल और इंटरमेल इंटर बी करके याद रखिए इनमें से विच ऑफ दी फॉलोइंग सब्सटेंसेस नॉर्मली फाउंड इन यूरिन यूरिन के अंदर इनमें से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पाया जाता है देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर मान लीजिए कि हम किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं है ना हमने बोला कि हमको जो है बाल झड़ रहे हैं हमको नींद नहीं आ रही हमको फटीगनेस होता है हमारे जो है वो सीने में दर्द हो रहा है है ना हमारे दिमाग में दर्द हो रहा है हमारी आंखों में दर्द हो रहा है आप डॉक्टर के पास किसी भी पर्टिकुलर रीजन के लिए जाइए ठीक है आप डॉक्टर के पास किसी भी रीजन के लिए जाइए पर्टिकुलर डॉक्टर आपको कहेगा ब्लड टेस्ट करा लीजिए ठीक है दूसरा जब भी आप डॉक्टर के पास ये बोलने जाएंगे कि हम खाना खाते हैं पर खाना पचता नहीं है थोड़ा सा हाथ पैरों में झंझनाहट जन रहती है तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि यूरिन जो है ना उसका टेस्ट करा लीजिए आप लोग याद रखिए कि जस्ट बाय योर ब्लड टेस्ट ठीक है आपके शरीर की किसी भी लंग लिवर किडनी हमारे स्टमक भी बीमारी के बारे में पता लग सकता है ना ऐसे ही यूरिन टेस्ट करने पे हमको अपने ब्लड शुगर के बारे में चीजें पता लग सकती हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले पहले आप समझ लो कि यूरिन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं यूरिन के अंदर सॉलिड जो है ठोस चीजें पाई जाती हैं और वाटर पाया जाता है ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति 1.4 लीटर यूरिन पर दे करता है, ठीक है तकरीबन डेढ़ लीटर यूरिन हर कोई पास ऑन करता है हर दिन जबकि वो छह ग्लास पानी पी रहा हूं ठीक है अगर आप छह ग्लास से ज्यादा पानी पीते हैं तो यूरिन का भी परसेंटेज बढ़ जाएगा जिसमें से 92 परसेंट ठीक है 92 परसेंट क्या होता है पानी होता है यूरिन में 92 परसेंट पानी होता है बाकी याद रखना है सॉलिड होते हैं जिसमें सोडियम पोटेशियम क्लोराइड सल्फेट, फॉस्फोरस अमोनिया कैल्शियम मैग्नीशियम होता है नॉर्मल जो ऑर्गेनिक कंटेंट है नॉर्मल यूरिया यूरिक एसिड क्रिटनिन ऑग्जेलिक एसिड पिगमेंट एलिनेशन ये सारी चीजें जो है वो बॉडी से बाहर निकलते हैं ठीक है नॉर्मली क्रियाटनिन निकलेगा तो कोई गलत बात नहीं है गलत बात कब है जब यूरिन में ग्लूकोस निकले यूरिन शुगर वाली निकले मतलब यूरिन के अंदर भी शुगर आ गई यूरिन के अंदर प्रोटीन आ जाए यूरिन के अंदर किटोन बॉडी आ जाए यूरिन के अंदर बाइल सॉल्ट आ जाए यूरिन का जो पीएच है वो गड़बड़ हो जाए हीमोग्लोबिन नजर आ जाए यूरिन के अंदर जो है वो अमीनो एसिड आ जाए यूरिन टेस्ट कराते हैं क्या चीज चेक करते हैं क्रिएटिनिन तो है कोई बात नहीं क्रिएटिनिन होना जो है वो सामान्य बात है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट है ठीक है और ऑर्गेनिक कैसी चीजें जो अब नॉर्मल है तो यूरिन में मान लीजिए शुगर आई यूरिन में सॉल्ट आया यूरिन में किटोन बॉडीज आए यूरिन के अंदर जो है वो अमीनो एसिड आ गया प्रोटीन आ गए बाइल जूस आ गया तो यूरिन जो है वो गड़बड़ होता है इस कंडीशन में फिर डॉक्टर आपको पर्टिकुलर ऑर्गन की बात करेगा थोड़ा बहुत सोडियम आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा बहुत आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है ऑक्जेलिक है कोई कोई अब ये एसिड एसिड याद रखना के आने पे भी दिक्कत दिक्कत नहीं है दिक्कत है कब जब कीटोन आ रहा है एवरेज यूरिन की अगर हम बात करें तो यूरिक एसिड बाई कार्बोनेटाइन एच सीओ थ्री क्रियाटन पोटेशियम सोडियम क्लोराइड और यूरिया ये नॉर्मल चीजें हैं ये निकलेंगी निकलेंगी कई बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पता है क्या सोच के दे रहे होंगे कि क्रिएटिनिन खराब चीज है नहीं क्रिएटिनिन यूरिन से निकलती है लेकिन चीजें जो है वो आपको गड़बड़ नहीं कर रहा जहां पे आपने लिपिड आ, देखा कि ल, जो यूरिन है उसमें शुगर आ गया सर्करा की मात्रा आ गई यानी कि हो गया डायबिटीज जहां पे यूरिन में शुगर आ गई ना डायबिटीज निश्चित ठीक है सोल्ट आ गया तो यानी कि किडनी में दिक्कत सॉल्ट आया तो किडनी में दिक्कत आरबीसी और डब्ल्यू बी सी जाए तो किडनी में इंफेक्शन और ब्लड प्रोटीन आए तो आपका जो फिल्टरेशन है वो नहीं यहाँ पे हो रहा है हाँ, प्रोफाइल फिर एक बार को बाद में बोल रहे होते हैं लेकिन याद रखिए कि ये जो क्रियाटन है ना ये नॉर्मल है किटोन खतरनाक है किटोन आया तो, तो किडनी में भयंकर दिक्कत है यूरिन में किसी भी तरीके की एबनॉर्मैलिटी अगर देखी गई तो या तो वो डायबिटीज से रिलेट करती है या फिर किडनी से रिलेट करती है है ना तो इन चीजों का आप याद रखिएगा आपको डेली ये पता होना चाहिए घर में भी डॉक्टर्स कई बार यूरिन का टेस्ट वगैरह लिखने को हमारे पेरेंट्स को दादा दादी को लिखते हैं ना तो आप उस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा करिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है ठीक है ये बताइए हाइड्रोफाइट्स फ्लोट ऑन वाटर सरफेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जो हाइड्रोफाइट होते हैं यानी कि पानी में उगने वाले जो पौधे हाइड्रोफाइट क्या होते हैं पानी में उगने वाले पौधे ये जो है वो फ्लोट करते हैं क्यों क्योंकि इनमें एरन कायमा होता है क्या होता है एरन कायमा ये याद रखिए ठीक है एरन कायमा की वजह से हाइड्रोफाइट्स जो पौधे होते हैं पानी में वो ग्रो माप के तैरते हैं एलिमेंट दैट लाइज इन सेम कॉलम एलिमेंट यानी कि तत्व जो एक ही कॉलम में होते हैं उनकी क्या चीजें सेम होती हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं प्रॉपर्टी सारी अलग होती हैं प्रॉपर्टी सारी सेम होती है अच्छा सेम ग्रुप का मतलब है सेम कॉलम ठीक है सेम कॉलम का मतलब है ये ये वाली चीज देखो पीरियोडिक टेबल में आपको एक कॉलम ऐसे नजर आ रहे होंगे एक कॉलम ऐसे नजर आ रहे होंगे जो ऐसे नजर आते हैं उनको हम पीरियड कहते हैं आवर्त के नाम से जाना जाता है और जो कॉलम होते हैं उनको हम ग्रुप के नाम से जानते हैं ग्रुप का मतलब जैसे मैंने लिखा आपको हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या फिर मैंने अल्कलाई मेटल लिखा हाइड्रोजन so, uh, वाला हाइड्रोजन उसके नीचे तो आप याद रखिए कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल अलग नहीं होती सिमिलर होती हैं एक ग्रुप के अंदर एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी समान होंगी सिमिलर होंगी ठीक है जैसा कि हम एक अवधि अवधि यहाँ पे आवर्त है ठीक है आवर्त के दौरान बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण है या इलेक्ट्रॉन की जो एफिनिटी है वो क्या होती है बताइए अगर आप लेफ्ट से राइट right जाते हैं ये पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट होता है ठीक है है ना ये पीरियोडिक टेबल का राइट right है यानी कि आप सोडियम से शुरू किए हो और आप इस तरफ क्लोरीन क्लोरीन तक जा रहे हो क्लोरीन तक जाते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन के प्रति जो लगाव है किटोन आ रहा है ये कैसे पता लगेगा ये तो आपके ब्लड देगी जब शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी तभी आपको जैसे मान लीजिए कि यूरिन में आपको यूरिन पास करते समय कोई इरिटेशन हो रही है यूरिन प्रॉपर सिक्रिट नहीं हो रहा है या आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा है या खाना खाने के बाद आपके शरीर में ब्लॉटिंग हो जाती है आपने पानी पिया लेकिन शरीर सूज जाता है तो इसका मतलब लिवर या किडनी की कोई दिक्कत है जब ये परेशानी लेके आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको यूरिन टेस्ट लिखने को बोलेगा किटोन का नहीं पता लग सकता इनफैक्ट यूरिन में कैसे पता हमें कैसे पता हमें यूरिन में चीज का पता लगता है यूरिन पीली आ रही है या व्हाइट आ रही है तो अगर आप पानी कम पी रहे हो तो वो एनी वेच वेज, वेज, वेज येल्लो ही आएगी है ना या फिर आप विटामिन बी या सी खा रहे हो तो यूरिन जो है वो येलो आएगी वरना हर केस में यूरिन नॉर्मली रहता है आपके शरीर अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है ना तो आपको दिक्कत आती है ठीक है चलिए अब बताइए एक अवधि में यानी कि पीरियड में अगर आप दाएं से बाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के प्रति लगाव जो है वो घटता है कि बढ़ता है बताओ इलेक्ट्रॉन्स के प्रति लगाव क्या होगा घटेगा कैसे बढ़ेगा कि घटेगा एक बच्चे ने डिक्रीज लिख दिया सारी जनता डिग्री तुम्हारा पैनग्विन वाला हाल है क्या एक पेनविन अगर अगर बर्फ से पानी में कूद जाती है ना तो बाकी सारी पैनग्विन सोचती नहीं है कि अपने को क्या करना भाई अपन को इसके पीछे जाना है क्योंकि वो राजा है ऐसी भेड़ों का हाल होता है बेड़े जो है वो एक एक गई तो सारी बेड़े ना उसके पीछे जाती है उसको पता ही सही कर रही होगी यहाँ पे याद दो हमने क्या लिखा आ, हम मैं सोडियम क्लोरीन आपको अच्छा वो पे, हमने जनरल साइंस वाली क्लास में किया था क्या देखो जब भी हम लेफ्ट से रहे और मैंने लिख भी दिया है सोडियम और क्लोरीन तब भी गलत दे रहे हो आंसर सोडियम को अपने एक इलेक्ट्रॉन से लगा हुआ है क्या है क्या लगाओ नहीं है वो ये चाह रहा है कि मेरा जो ये शेल है टू वाला इसमें से वन फटाफट कोई लेके जाए मेरी ब्लड छूटे और मेरा आउटेट पूरा हो है ना ये क्या कह रहा है क्लोरीन कह रहा है यार एक इलेक्ट्रॉन मुझे कहीं से मिल जाए ना इतनी शिद्दत से इलेक्ट्रॉन को चाह रहा है कि पूरी कायनात इसको सोडियम से मिलाने पे मजबूर कर देती है है ना तो ये क्या कर रहा है सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को जितना तेजी से निकाल रहा है तो इसका मतलब इसको इतना तो प्यार नहीं है कि ये इसको हटने में इसको कोई दिक्कत हो आराम भाई तू जा तू बस जा मेरे पास से क्लोरीन का हाल यह एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए मुझे है ना एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या कर रहा है सोडियम लेफ्ट साइड रखा है राइट साइड रखा है क्लोरीन अब इस एग्जाम्पल को याद रखना और कभी भूलना मत जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्यार है ना वो बढ़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन्स मिले ऐसा ना हो अरे ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन्स मेरा कहाँ चला गया ऐसे वाला नहीं है आपको स्टेबिलिटी चाहिए सोडियम तब स्टेबल होगा जब इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो प्यार नहीं है क्लोरीन तब स्टेबल होगा जब उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा यानी कि बेहद प्यार है तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होगा आपका बढ़ेगा एक बार ये स्ट्रक्चर देखो आप सोडियम से गए इधर गए आपका क्या होगा क्लोरीन की तरफ बढ़ेगा आप नीचे से ऊपर जाइए इंक्रीज होगी एफिनिटी ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटेगी जितना प्यार सोडियम को अपने इलेक्ट्रॉन से है उतना प्यार सीजियम को नहीं है इसलिए सीजियम एकदम आग देखो याद रखो जिन लोग को ज्यादा टेंशन नहीं होगी ना वो एकदम बढ़िया आग लगाते घूमते हैं एकदम मस्ती करते हैं सीजियम और फ्रेंशियम आग लगाता है पता है ना आपको आग लगाता है तो यहाँ से जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो घटेगा यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो नीचे कोई टेंशन नहीं है ना सीजियम फ्रेंशियम को अपने इलेक्ट्रॉन्स की टेंशन ही नहीं है जितनी सोडियम और लिथियम को है उल्टा यहाँ पे कर दीजिए यहां से यहां कर दीजिए है ना और देखो आर्गन यहां तक आ जाओ आप लास्ट तक आर्गन तक आ जाओ मजाला आर्गन अपना एक इलेक्ट्रॉन आपको दे दे चाहे आप उसे कुछ भी बोल दो कि भाई तेरा ये करा देंगे कोई भी इलेक्ट्रॉन ये बोले देख मैं यहाँ पे ना पास करा दो ऐसे भाई अपना तो इलेक्ट्रॉन हिलने का नहीं है उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इतने अच्छे से बाइंड अप कर रखा है दो आठ आठ को कि वो एक इलेक्ट्रॉन भी इधर से उधर नहीं होगा सारा खेल ऑक्टेट पूरा करने का है जिसको ऑक्टेट पूरी करनी है वो खींचेगा इसीलिए यहाँ पे आंसर याद रखिए आपका लेफ्ट टू राइट जाते समय बढ़ेगा प्यार बढ़ गया है ना राइट right से लेफ्ट आते समय घटेगा प्यार सोडियम नहीं कर रहा है बुआ इतना प्यार नहीं कर रही है जितना मौसी कर रही है समझ रहे हो ना बुआ इतना प्यार नहीं कर रही है जितना मौसी कर मौसी बढ़िया पैसे वैसे निकाल के देते बेटा जा तू जी ले जिंदगी बुआ तो पैसा दे दे तब आप इसने इस बार इस बार बुआ ने पैसा कैसे दे दिया ये वाला हाल है ठीक है तो लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा राइट टू लेफ्ट घटेगा नीचे से ऊपर जाओगे तो प्यार बढ़ेगा ठीक है फिर देखो सोडियम को सेंटर रख लो सोडियम को बिल्कुल प्यार नहीं है नीचे जाओगे तो सीजियम और फ्रेंशियम है वो इतना प्यार नहीं कर रहे हैं। है ना ऐसे करके याद रखो अब ऐसा जो भी है आपको यहाँ पे लर्न कर लो ये आप ऐसे ही लर्न करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा लेफ्ट टू राइट ज्यादा ये दीपिका पादुकोण और रणवीर के चक्कर में पड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा आप बिल्कुल ऐसे लर्न करो ठीक है और ये थोड़ा सा वैसे टेक्निकल है जब आप इधर से इधर जाते हैं तो हम इसमें ना इलेक्ट्रॉन की साइज मतलब हम ऑर्बिट के लिए भी बोलते हैं साइज इंक्रीज हो रहा है बढ़ रहा है कितना अच्छे से खींच सकते हो पकड़ के रखने वाली बात है ना ये ऐसे वाला चलिए तत्वों की व्यवस्था किस क्रम में की जाती है एलिमेंट्स आर इन प्यार करिए ना बुआ आपको अच्छे से प्यार करी है बहुत ही बढ़िया बात है जिनकी बुआ प्यार करे अच्छे से तो फिर तो फिर क्या बात है मजे आ गए चलिए बताइए एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर जो एलिमेंट्स हमारे अरेंज है वो किस तरीके से अरेंज है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ठीक है परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम ये किसने दिया था हेनरी मोजले हेनरी मोजले करके याद रखना है ठीक है भुआओं को वैसे बदनाम कर रखा है दुनिया में है ना चलिए ब्लड ग्रुप ए बी हैज ए बी के पास कोई एंटीजन नहीं होता कोई एंटीबॉडीज नहीं होते हैं नीदर एंटीजन नॉर एंटीबॉडीज या बोथ एंटीजन और एंटीबॉडीज बताइए जो ए बी ग्रुप होता है उसके पास इनमें से क्या चीज मौजूद नहीं होती है तो याद रखिए हमारे पास मान लीजिए ये सर आरबीसी है इसकी सतह पे अगर ए एंटीजन होगा क्या होगा ए एंटीजन होगा एंटीजन तो मेरा ब्लड ग्रुप ए है बी होगा तो मेरा ब्लड ग्रुप बी है अगर ए और बी दोनों एंटीजन है तभी तो मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है ना इसका मतलब एंटीजन तो, तो है ही है एंटीजन तो है ही बिना एंटीजन के तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा ओ अगर मैं आपसे ओ ओ ब्लड ग्रुप में में एंटीजन एंटीजन है क्या तो आप आंसर करोगे नो कोई एंटीजन नहीं है तभी तो वो जीरो रह गया, ओ रह गया गया ओ है ना लेकिन अगर ब्लड ग्रुप ए बी की मैंने बात की तो उसमें दोनों एंटीबॉडीज होंगे मतलब एंटीबॉडीज नो एंटीबॉडीज इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं आपके पास एंटीबॉडीज कोई नहीं है लेकिन एंटीजन जो है ना वो यहाँ पे हैं दोनों एंटीजन हैं ऐसा तो खून आज की डेट में ऐसा पैदा नहीं हुआ है एंटीजन और एंटीबॉडीज दोनों ही हो या दोनों ही नहीं हो तो ये जो नीदर वाला सी और डी ऑप्शन है ना ये तो आपकी इंसान की रस, रचना से अलग ही है ठीक है ऐसी कोई रचना बनी नहीं आज तक भगवान ऐसी रस, ऐसी भगवान ऐसी कायनात में चीज नहीं बना पाया जिसके अंदर दोनों एंटीजन या एंटीबॉडीज हो या एक भी एंटीजन एंटीबॉडीज नहीं हो तो ये तो पहले ही एलिमिनेट कर देना आंसर होगा बी किसी के नहीं समझ में आया है तो आप बताओ कि हाँ ये आंसर ना मेरे को समझ नहीं आया ये आंसर अगर समझ नहीं आया तो बता दो हमारा खून किस पे निर्भर करता है एंटीजन एक लाइन समझो बात खत्म हमारा ब्लड ग्रुप हमारा ब्लड ग्रुप किस पे निर्भर करता है हमारा ब्लड ग्रुप एंटीजन पे निर्भर करता है ठीक है आपके अंदर एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप ए है आपका एंटीजन बी है तो आपका ब्लड ग्रुप बी है दोनों है तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है और एंटीजन नहीं है तो so यहाँ पे क्या होगा पे एंटीजन नहीं होगा कोई भी तो ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा ये कहाँ गायब हो गए विच ऑफ दी फॉलोइंग दिजिकल क्वान्टिटी है सेम डायमेंशन इनमें से कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम समान होता है पोटेंशियल एनर्जी लीनियर मोमेंटम अरे बाप रे ये तो मास इनटू वेलोसिटी है पोटेंशियल एनर्जी क्या है एम जी एच अब एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क काइनेटिक एनर्जी जूल वेलोसिटी क्या है मीटर पर सेकंड जिनके यूनिट सेम होंगे उन्हीं का ही डायमेंशन जो है वो सेम होगा जिनके यूनिट सेम होंगे उन्हीं का ही डायमेंशन सेम होगा और वर्क और टॉर्क याद रखिए वर्क जो है वो क्या है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट टॉर्क क्या होता है वो फोर्स का ही टर्निंग इफेक्ट है फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है इसीलिए वर्क एंड टॉर्क करके याद रखिए ठीक है मैक्सवेल जो है वो किसकी यूनिट को कहा जाता है मैक्सवेल 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 ने रूल दिया था ऐसे वाला एक थम रूल था और एक मैक्सवेल राइट हैंड थम रूल और लेफ्ट हैंड थर्म रूल ठीक है तो मैक्सवेल जो है वो उन्होंने बिजली के यानी कि जो करंट फ्लो होता है उसके हिसाब से जो मोशन होती है उसको एक्सप्लेन किया था मैग्नेटिक फ्लक्स करके याद रखिए चुंबकीय प्रभा इसे कहा जाता है ठीक है चुंबकीय प्रभा और वेवर भी करके याद रखिएगा ऐसा यूनिट इसकी वेवर कही जाती है रासायनिक घटक जो सभी वायरस में हमेशा पाया जाता है वायरस भाई इस वायरस ने दो साल बर्बाद किए दो ढाई साल बर्बाद किए हैं इस वायरस के चक्कर में कोरोना के आपको पता होना चाहिए कि जो वायरसेस होते हैं उनमें क्या चीज हमेशा पाई जाती है डीएनए आरएनए लिपिड्स या प्रोटीन बताओ ऐसी एक चीज जो वायरस में होगी ही होगी चाहे आप कुछ कर लीजिए वायरस में वो चीज होगी ही होगी प्रोटीन करके याद रखिए जो वायरसेस होते हैं ये दो चीज के मिलके बने होते हैं एक है प्रोटीन जो हमेशा मौजूद होगा एक होगा इनके पास न्यूक्लिक एसिड क्या होगा न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा डीएनए या फिर आरएनए तो डीएनए हमेशा होगा ऐसा फिक्स नहीं है आरएनए हमेशा होगा ये भी फिक्स नहीं है मतलब या तो डीएनए हो सकता है

तो आज शायद आप लोग 16, 17 के ऊपर पहुंचोगे नहीं आज का पेपर भाई सही बनाया मैंने मतलब डेली देल, मैं इस पेपर को बनाने में दो तीन घंटे लगा रही हूं पर मुझे लग रहा है आज ज्यादा ठीक बन गया पेपर है डीएनए आर ए नहीं प्रोटीन लिखिए ठीक है जैसे ये है कैप्सिड प्रोटीन कैप्सिड प्रोटीन ये प्रोटीन ठीक है जो कवरिंग है हेड वो प्रोटीन उसके अलावा ये जो आपको ये एरिया दिख रहा है स्पाइक्स ऑफ प्रोटीन कैप्सिड तो प्रोटीन कैप्सिड तो हमेशा फिक्स ही होगा प्रोटीन कैप्सिड जो है वो तो हमेशा ही होगा है ना लेकिन जो डीएनए आर एन कीप्स ऑन चेंजिंग कैसे भाई कभी तो डीएनए होगा कभी तो जो है वो आर होगा तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि कैसे यहाँ पे चीजें जो है वो अटैच करनी है ठीक है नॉर्मलाइजेशन नहीं करनी है आज तो भाई नॉर्मलाइजेशन आज आज नॉर्मलाइजेशन पे आ गए क्योंकि आज अपने लेवल का नहीं गया तो दिमाग लगा के मुझे बनाने पड़ेंगे आप लोगों के लिए सेट मुझे लग रहा है जिस दिन भी मैं जल्दी जल्दी बना दू ना चलिए ये बताइए द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर विद्युत विद्युत धारिका की इकाई क्या होती है विद्युत धारिका कोई बात नहीं रिवाइज करने से होगा बस पॉइंट ये है कि जो क्वेश्चन गलत है उनको ध्यान से पढ़ लेना जो क्वेश्चन आज गलत की है वो कभी आगे जब मैं पूछूं दोबारा तो वो गलत मत करना ठीक है और जो चीज मैंने समझाई है जो जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो भूलना नहीं कैपेसिटेंस क्या होता है ये international unit of system जिसे कहते हैं ना ये माइकल uh, वोल्ट के हिसाब से बात की जाती है ठीक है क्यू और वी की बात हो रही है क्यू अपॉन में वी की बात हो रही है वन कूलम पर वोल्ट वन कूलम पर वोल्ट और ये क्या होता है किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल चार्ज को होल्ड करने की जो पावर है जैसे कि आपने स्विच या से ऑन किया पंखा आपका ऑन हो गया ठीक है तो पंखे के अंदर आपके इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑलरेडी होल्ड थे जैसे आपने स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रॉन्स एकदम भाग के गए और पंखा चलाया ऐसा नहीं होता आपके पास कैपेसिटर होता है जो ऑलरेडी पहले आपकी ट्यूबलाइट्स होती थी जो लप लप करके जलती थी अब वो बंद हो गए अब तो सारी एलईडी आ गई तो उनमें वो जो अंदर लगा होता था ना चौक जिसे कहते थे चौक पता नहीं आप लोगों ने देखे भी होंगे कि नहीं चौक जो होती थी वो काफी देर में जलती थी तो कैपेसिटेंस जो होती है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो है ये आपकी फैरिड यूनिट को बनाती है और कैपेसिटेंस किसी भी पदार्थ की क्षमता होती है अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को संभाल के स्टोर करने की ठीक है ये याद रखिएगा फैरड आपका आंसर है तो, तो दैट्स इट फॉर टुडे आई होप आपको आज चीजें अच्छी भी लगी चीजें समझ भी आई है और सैटरडे संडे आप लोग की आज स्पेशल सैटरडे संडे इस बार आपके स्पेशल सेशन होने वाले हैं जिसमें एक क्लास में आप क्लोरोप्लास्ट uh, और माइटोकांड्रिया समझोगे और ह्यूमन आई वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मानव नेत्र समझ लीजिए रेलवे का आप टेक्नीशियन दे दीजिएगा एएलपी दे दीजिएगा एनटीपीसी दे दीजिएगा ग्रुप डी दे दीजिएगा जेई e दे दीजिएगा कोई भी पेपर दे दीजिए ह्यूमन आई एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा ना तो एक दिन पहले भी अगर आपको याद आया हो तो पढ़ना पड़ेगा तो ये सेशन ह्यूमन आई वाला मैं संडे को करने वाली हूँ तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा ये आपको हेल्प करेगा और क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया हम सैटरडे करेंगे ठीक है बाकी मंडे से हम टॉपिक वाइज ये भी अच्छी चीज है जो मैं आपको बताने लग रही हूँ हालांकि मैं आपको एक अलग से वीडियो करूंगी उसमें सारी चीजें बताऊंगी एक और आप लोगों के लिए सरप्राइज भी है जिन लोग को साइंस की टेंशन है ना उन लोग की टेंशन मुझे दूर करनी है मंडे को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करना शुरू करेंगे टॉपिक वाइज ताकि आप ना टॉपिक्स पे टिक लगाते रहो अच्छा देखो ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया इसके एमसीक्यूज जो है ना वो भी कंप्लीट हो गए तो मंडे से टॉपिक वाइज सेशन शुरू करना है लेकिन एक बार समझ लेना संडे को कि कैसे करना है कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना और क्या होगा ठीक है ये मैं आपको संडे को बताऊंगी तब तक पूरा पार्ट कंप्लीट कर लीजिए रिवाइज कर लीजिए यहाँ पे सब कुछ है ना और अच्छे से पूरा सेगमेंट आपको हेल्प भी करेगा ये क्लास आपको बहुत बहुत ज्यादा एग्जाम के कवर कराने में मतलब अच्छे से हेल्प करेगी आगे थ्योरी के सेशन भी आने वाले हैं तो वो भी आपको हेल्प करेगा ठीक है चलिए थैंक यू सो मच अभी के लिए ये सेशन जो है वो आप देख लीजिए और जिनको भी इच्छुक हैं भाई कि हमको तो डिटेल्ड में पढ़ना है साइंस हमें नहीं आती हम आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं ना तो हमें फिजिक्स आती है ना केमिस्ट्री ना भाई तो आप डिटेल्ड सेशन जो है ना वो क्लास ट्वेंटी फोर पे ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको पूरी ई बुक्स भी मिलेंगी थ्योरी वगैरह की ठीक है तो अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच बाय बाय मिलते हैं कल के सेशन के अंदर तो कल का सेशन भी आपका क्वेश्चंस का ही होगा और हम सैटरडे तक क्वेश्चन के सेशन कर रहे हैं मंडे से फिर मैं जो है ना वो आपके चेंज कर दूंगी और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करेंगे जो इसी टाइम होगा मतलब नौ बजे का जो सेशन है वो इसका प्रैक्टिस सेट हम फिर से शुरू कर लेंगे जब एग्जाम की डेट आएगी लेकिन एग्जाम की डेट आने से पहले हम टॉपिक वाइज तो चीजें करें वो आपका शुरू हो जाएगा ठीक है आ, जीके थोड़ा सा होल्ड पे करेंगे सचिन थोड़े दिन के लिए साइंस कैरी करेंगे फॉर नेक्स्ट फिफ्टीन डेज उसके बाद फिर से जीके शुरू कर देंगे ठीक है चलिए अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच बाय बाय